आपने बोला कि जो लोग हैं आजकल का युवा है वो फोन में बिजी है, लैपटॉप में बिजी है, तो उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत उन्हें किस लिए पड़ रही है, क्योंकि वो फैमिली से दूर हो रहे हैं, आजकल फैमिली से अलग रहने का रिवाज शुरू हो गया है। देखो, पहले जब हमारा भारत था उसमें चिंता को दूर करना, उसमें मनोबल प्रदान करना, ये सब घर में ही हो जाता था। दादा दादी हुआ करते थे, पोते को कोई टेंशन हुई दादा ने समझा दिया, पोती को कोई टेंशन हुई दादी ने समझा दिया, बच्चों को कोई टेंशन हुई मम्मी पापा ने समझा दिया। अब बुजुर्ग नहीं है ना, कोई बच्चा बुजुर्गों से बात नहीं करना चाहता, कोई बच्चा 5 मिनट बुजुर्गों के पास बैठना नहीं चाहता, अपने दादा दादी के पास बैठना नहीं चाहता। 80%, 85%, 90% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बुजुर्ग घर में नहीं है, बुजुर्ग वृद्धाश्रम में है, बुजुर्ग ओल्ड एज होम्स में चले गए हैं। तो कौन करेगा गाइड, कौन करेगा? आपके पास इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई बचा नहीं है। आपको थोड़ी सी टेंशन हुई, आपने अपनी पत्नी पर गुस्सा कर दिया, पत्नी ने पति के ऊपर गुस्सा कर दिया, दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई करी, फिर डिवोर्स हो गया, मतलब छोटी छोटी बातों पर। आज आप देखेंगे 50% से ज़्यादा जो डिवोर्सेस हो रहे हैं वो छोटी छोटी बातों पर हो रहे हैं, जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। मतलब कोई लोग उन रीजंस को पढ़ते हैं जब पेपर में, तो वो हंसते हैं कि इतनी सी बात पे कोई तलाक कैसे दे सकता है। क्यों? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। माता पिता जो थे गाइड करने वाले, उनको तो आप जा करके वहाँ छोड़ा है वृद्धाश्रम में, उनको तो आपने गांव भेज दिया, वो तो अपने झोपड़े में रह रहे हैं, आप जो है एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं जो अपार्टमेंट जैसा बड़ा नज़र आता है, लेकिन उसमें आपके और आपकी तन्हा पत्नी के अलावा और कोई है नहीं जिससे आप 2 मिनट शांति से बात कर सकें। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, पूरे अपार्टमेंट में कहने के लिए 1000 घर हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म क्या होता है ये किसी को पता नहीं। पहले हमारे गाँव में क्या होता था, ग्रामीण परंपरा थी, उसमें क्या होता था, सब लोग मिलके रहते थे, गांव एक परिवार की तरह था। आज भी जब कोई गांव का मिलता है कि आप कहां से हैं, उसने बोला मैं दूर फलाने गांव से हूं, बोला अच्छा आप तो फिर मेरे छोटे भाई हुए बड़े, मतलब गांव में एक परिवार की भावना, एक फैमिली की भावना, एक बॉन्ड की भावना है। शहरों में पता ही नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है, जस्ट बगल में घर है लेकिन पता नहीं है कि कौन रहता है, क्योंकि बात नहीं करते ना, अपने लिए समय नहीं है। पैसा कमाने के लिए इतना आज इंसान पागल हो गया है, भागे जा रहा है, किसके लिए कमाओगे पैसा? अंत में आपको सब यही छोड़ करके जाना है, सब कुछ यही रह जाने वाला, एक सुई लेकर के साथ नहीं जा सकते। ये फिलोसफिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ, सबको राख होना है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, राख होने के बाद दोनों एक नज़र आने वाले, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो, कोई उसमें डिफ्रेंशिएट मर जाने के बाद, जल जाने के बाद कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। एक बार शरीर को, मुर्दे को आग लगी और राख हुआ, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मरने के बाद सब राख बन जाएंगे, एक सिक्का, एक रुपया इवन आप लेके नहीं जा सकते, और आप भागे जा रहे हो। एक सेकंड आपकी प्राण की कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब आप ख़त्म हो जाओगे, लेकिन भागे जा रहे हो। बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले फैमिली में एक पिता पापा को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से आता है। सुबह जब वो अपनी जॉब पे जाते हैं तो बच्चा सो रहा होता है, शाम को जब आते हैं तो वो सो गया होता है, चेहरे ही नहीं दिखते, बच्चों से बात ही नहीं करने का समय, वाइफ को टाइम नहीं देना है, तो वो प्रेम ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, लेकिन इतना याद रहे कफन में जेब नहीं होती। जब आप जाएंगे तो सब यहीं रह जाने वाला है, आपकी बड़ी बिल्डिंग, आपकी ऑडी कार, आपकी BMW, आपके ये बड़े बड़े मकान, आपके जो ये जेवरात, ये पैसे, ये सोना, सब यहीं रह जाने वाला है। आज आभूषण के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, किसी को डायमंड की चैन चाहिए, पत्नी को अगर पति ने डायमंड की चैन नहीं दिलवाई करवा चौथ के दिन तो पत्नी ने बेलन से पति को पीट दिया, ऐसी खबरें अखबार में पड़ी जाती हैं। पत्नी ने डिमांड करी कि मुझे सोने की चैन चाहिए थी, पति ने नहीं दिलवाई तो पत्नी मायके भाग गई। पत्नी ने कहा था कि मुझे मंगलसूत्र चाहिए था सोने का, पति नहीं दिलवा पाया तो पत्नी घर छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। तो ये क्या है? ये सेटिस्फैक्शन का भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो समझ नहीं है, वो सोच नहीं है। और चाणक्य ने कहा है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम,
भूषणे किम प्रयोजनम, ये जो भूषणों के पीछे लोग भाग रहे हैं, आभूषणों के पीछे भाग रहे हैं, डायमंड के पीछे भाग रहे हैं, सोने के पीछे भाग रहे हैं, चांदी के पीछे भाग रहे हैं, हीरों के पीछे भाग रहे हैं, जवाहरातों के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल सी फिलॉसफी दी है कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथों के जो भूषण है वो कंगन नहीं है, वो चूड़ियाँ नहीं है, वो सोना नहीं है, वो दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, ये बड़ी बड़ी चैन, ये बड़े बड़े मंगल सूत्र कंठ के भूषण नहीं है, सत्य बोलना ही कंठ का भूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, ये बड़े बड़े झुमके, ये बड़ी बड़ी बालियां टॉप्स, ये कान के भूषण नहीं है, अच्छे शास्त्रोक्त विचारों को सुनना ही कानों का भूषण है। तो जब इतने अच्छे अच्छे आपके पास आभूषण है तो भूषण की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन इस फिलॉसफी को कोई समझ नहीं रहा। इस फिलॉसफी को समझ ले तो डिवोर्स होना बंद हो जाए, लड़ाइयाँ होना बंद हो जाए, झगड़े होना बंद हो जाए, सारी प्रॉब्लम का हल निकल जाए।